हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाऊंगी ये जो सिंपल ब्रा होती है इसको आप पैड वाली ब्रा कैसे बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये मेरी बिल्कुल सिंपल ब्रा है, नॉर्मल ब्रा है जिसमें पैड नहीं लगे हुए हैं। अब इसको इस पे हमने पैड लगाने हैं, वो कैसे लगाने हैं मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो आप मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना, ठीक है। तो हमने ये अपने साइज़ के दो पैड लेने हैं। इसको हमने जो लाइनिंग है, अस्तर है, इसको कुछ भी बोल सकते हैं, इसके ऊपर हमने इस तरीके से रख के ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। ये ड्रॉ करने के बाद अब इसकी हमने कटिंग करनी है। तो कटिंग हमने लाइन से बिल्कुल हट के करनी है, थोड़ी दूरी पे कटिंग करनी है, ठीक है। तो ये हमने कटिंग कर ली है। अब इसको हमने इसके ऊपर रख के सिलाई लगानी है। इसके बीचों बीच हम सेंटर पे रख के सिलाई लगाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हमने सिलाई लगानी है, दोनों तरफ सिलाई लगा देंगे ताकि हमारा जो पैड है हिले नहीं बिल्कुल भी, एक जगह पे फिक्स रहे। तो इस तरीके से हम सिलाई लगा देंगे, ठीक है। ये देखिए सिलाई लग चुकी है। अब इसकी जो, ये देखिए उल्टा करके हमें इस तरीके से कुछ नज़र आ रहा है। अब ये जो कपड़ा है, जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा थोड़ा सा बढ़ के कटिंग करी थी, अब इसको हम अंदर की तरफ इस तरीके से मोड़ देंगे, ठीक है। ये देखिए कपड़ा मैंने मोड़ लिया है। अब हमने क्या करना है, हमने जो ब्रा है उसका हमने सेंटर लेना है, ठीक है। और ब्रा को हम इस पैड के ब्रा के ऊपर पैड को हम इस तरीके से फिक्स करेंगे, बिल्कुल सेंटर में इसको सेट करके, ठीक है, इस तरीके से हम फिट कर लेंगे। और यहाँ पे जहाँ पे हमारा सेंटर है वहाँ पे हम पिन अप कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम इस पे पिन, सुई, नीडल कुछ भी लगा सकते हैं ताकि हमारा जो पैड है वो एक जगह फिक्स रहे, हिले नहीं यहाँ से। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने कपड़े को खींचना नहीं है, ब्रा वाले कपड़े को ऐसे हमने ढीले से छोड़ते हुए इस पे सिलाई लगाएंगे, राउंड राउंड सिलाई लगाएंगे, ठीक है। कपड़े को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, आराम आराम से ऐसे सिलाई लगा देंगे, ऐसे सेट करते जाएंगे। हम देख लेंगे हाथ लगा के कि हमारा जो पैड है वो कहाँ पे है, उसके ऊपर बिल्कुल किनारे किनारे पे हमने सिलाई लगानी है इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारी सिलाई लग चुकी है, ठीक है। ये देखिए सिलाई लग चुकी है, यहाँ से हम पिन निकाल देंगे। तो इस तरीके से हमारा एक पैड लग के रेडी हो गया है और दूसरा पैड भी हमने इसी तरीके से लगा लेना है। ये हमारे बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है, ठीक है। इस तरीके से हमने दोनों पैड इसमें लगाकर अटैच कर लिए हैं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।